Good morning students. Now our next topic is washing soda या sodium carbonate decahydrate. Decahydrate means 10 molecules of water. Na2CO3.10 molecules of water. Let us see the preparation. It is prepared in the Solvay process या इसको एक और नाम है ammonia soda process. जैसे हमने बेकिंग सोडा जिस प्रोसेस से बनाया था उसी प्रोसेस से वॉशिंग सोडा भी बनाया जाता है. देखो जी, हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ जब बेकिंग सोडा के प्रॉपर्टीज़, उसमें प्रॉपर्टी थी कि जब उसको हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है. तो वही स्टेप यहाँ पर वॉशिंग सोडा प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा ये गैस के फॉर्म में निकल जाता है. ठीक है, उसके बाद इस स्टेप में जो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर का एडिशन. तो सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ में जुड़ जाते हैं. प्रॉपर्टीज कलर एंड स्टेट. ठीक है, सो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? वॉशिंग सोडा. एक्शन ऑफ एयर, एयर के साथ में क्या होता है, ये डिकम्पोज होके 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर उड़ जाते हैं वेपर के फॉर्म में और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मतलब थोड़े से वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में रह जाते हैं. सॉल्युबिलिटी इन वाटर, अगर वॉशिंग सोडा को पानी में घोल देते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. एक्शन टू हीट, अगर हीट करते हैं तो ये जो डेकाहाइड्रेट है ये वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं तो ऐसा रिएक्शन होता है. एक्शन ऑफ एसिड, अगर वॉशिंग सोडा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. ठीक है, तो ये था एक प्रिपरेशन, एक यूजेस और ये प्रॉपर्टीज, कोई भी प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछ सकता है आपसे. यूजेस क्या है, क्लीनिंग क्लोथ्स, ऐसे इसका नाम है वॉशिंग सोडा, तो लॉन्ड्री में ये कपड़े धोने के लिए यूज़ होता है. दूसरा, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. देखो ये आपके लिए चीज़ नहीं है, परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, जैसे देखा होगा कि समुद्र के पानी में अगर, यानी खारे पानी में कपड़े धोएंगे तो उसमें लैदर नहीं बनता है, झाग नहीं बनता है. तो दैट मीन्स उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि झाग नहीं बनने देते हैं तो उसको बोलते हैं हार्डनेस या हार्ड वाटर. लेकिन जो घर में जो पानी आता है उससे अगर कपड़े धोते हैं तो है ना वो झाग बनता है, लैदर बनता है, तो उस वाटर को बोलते हैं सॉफ्ट वाटर. सो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. मैनुफैक्चर, इट इज ऑल्सो यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, पेपर और बोरेक्स. Thank you.